वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद इशू। सो यहाँ पर मिलते हैं आपको प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक वीडियो विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और एनी टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। सो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में कमेंट सेक्शन शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली जो भी वीडियोज मैं पोस्ट करती हूँ उस पर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई मैं एक वीडियो के थ्रू करती हूँ। तो आपके पास भी कोई आपके क्वेश्चन हों, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि आपका क्वेश्चन मैं पिक कर लूं। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट के तौर पर आपको दिखा दूंगी। तो अब्दुल रहमान जी का ये कमेंट है कि मेरा नौवां महीना लगा हुआ है और नौवे महीने लगे हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं, पहला बेबी जो था वो सी सेक्शन से हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अब्दुल रहमान जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में, दोनों प्रेगनेंसीज में कम गैप है तो सी सेक्शन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसीज में गैप ज़्यादा है, इट मीन्स कि 5 ईयर्स तक का गैप है या 3 ईयर्स तक का गैप है, आपको पहली प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी फिजिकली और आपका सी सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आपको कोई पेन नहीं है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल टाइप की और आपके डॉक्टर के चेकअप के अनुसार सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी का भी। बट आपकी प्रेगनेंसी में अगर कम गैप है, इट मीन्स कि 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तक का गैप है, तो आपका सी सेक्शन ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसीज में 5 साल तक का गैप है, इट मीन्स कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी जा सकते हो, बट आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराइए, पर्सनली दिखाइए, अच्छे से उनकी सलाह के अनुसार ही आप अपने नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली दे दिया है। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।